जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, जो आर्टिकल के बाद और कोविड नेक टू नेक दोनों चीज़ें आई, टूरिज्म सेक्टर को बहुत हिट किया बैडली। तो जो तब हमने एक लॉस रिपोर्ट बनाया था कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, उसमें जो टूरिज़्म के लॉसेस थे वो कुछ 10,000 करोड़ से ऊपर थे। तो फिर थोड़ा इस विंटर में हमें ऐसी मतलब साइन अच्छी नज़र आई कि लोग आने लगे आफ्टर कोविड। मेरे को लगता है हम पहले स्टेट थे कि जिन्होंने मतलब टूरिस्ट को वेलकम किया और पूरे SOPs के साथ किया, जैसे आपका एयरपोर्ट पे अभी टेस्ट हो रहे हैं या बाकी जगहों पे हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म डायरेक्टर टूरिज्म थे और देवकाम साहब, उसने भी एक इनिशिएटिव लिया था कि कैसे हम टूरिस्टों को वेलकम करेंगे वापस जहाँ तक कोविड का मसला है। तो हर एक जगह मतलब हमने होटल्स, हाउस बोट, जो भी हमारे टूर ऑपरेटर्स थे, गाड़ी वाले थे, उनके साथ हमने कुछ सीरीज ऑफ मीटिंग्स भी की। तो हमने उनके साथ ये शेयर भी किया अपने व्यू पॉइंट्स कि कैसे हम टूरिस्ट को कैटर करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक के चलते जो है वो टूरिज़्म एक्टिविटी सारी ठप हो गई थी, और जुलाई के महीने में जब गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दे दी कि टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को अब जो है स्टार्ट किया जाए, और जब सितंबर में वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जा रहा था, तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर एक विग्रस मुहिम जो है वो छेड़ दी, जिसमें रोड शोज़ का इस्तेमाल किया गया, इसी तरीके से जो सोशल मीडिया है, पब्लिसिटी वगैरह, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल किया गया कि यहाँ कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में ओवरऑल और कश्मीर में ख़ास तौर से टूरिस्ट्स का आना कितना सेफ़ है और यहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से क्या क्या तैयारियाँ की गई है, उसकी अच्छी खासी एक पब्लिसिटी हुई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अक्टूबर नवंबर में पहुँचे तो टूरिज़्म ने जो है पिकअप करना शुरू किया, और विंटर टूरिज़्म के हवाले से खास तौर से एक अच्छी बात ये रही कि स्नोफॉल जो है वो नवंबर में हुआ, फिर दिसंबर में, जनवरी में, स्पेल्स में हुआ, तो नवंबर के चलते चलते मिड नवंबर से ये पिकअप करना शुरू हो गया और 6,000 के करीब टूरिस्ट नवंबर में आए, और वो फिगर फिर जो है 13,000 के करीब दिसंबर में पहुंची हुई। तो उसके अलावा जो हमारे 26,000 के करीब फिर फरवरी में, और जब हम अभी मार्च में देख रहे हैं तो 30,000 के करीब टूरिस्ट का फिगर ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो अब इसके बाद इन बिटवीन हमने जो स्प्रिंग टूरिज़्म के हवाले से तैयारी करी, जगह जगह रोड शोज़ हुए, चाहे वो दिल्ली हो या कोलकाता हो, इसी तरीके से अहमदाबाद हो, या जो हैदराबाद है, लखनऊ है, अमृतसर है, तो कम से कम 21 जगहों पे जो है हमारे रोड शोज़ हुए जम्मू डायरेक्टरेट के ज़रिए से, कश्मीर डायरेक्टरेट के ज़रिए से। तो वहाँ हमने जो है बाज़ाब्ता जो हमारी टूरिज़्म की तैयारी थी उसको लोगों तक पहुँचा दिया, मीडिया का इस्तेमाल किया, इसी तरीके से जो हमारे यहाँ टूरिस्ट जो आए उनके इंप्रेशंस हमने सोशल मीडिया में, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से पब्लिसाइज किए, या बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, होटलियर्स हैं, हाउस बोट ओनर्स हैं, उनको भी साथ हमने लिया और पब्लिसिटी करके जो है हमने लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करी कि यहाँ कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए टूरिज़्म एक्टिविटीज़ के लिए तैयारी की गई और टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को कैसे हमने आगे बढ़ाया, वो सारी चीज़ें हमने जो है लोगों में बता दी। जब से ये आर्टिकल 370 गए हैं या तब से तो हम बैठे ही थे, तो अब थोड़ा सा सर्वाइव कम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ही जो कोविड का हिट हुआ है उसने हमें बिल्कुल ज़मीन पर ला के खड़ा कर दिया है। तो हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं रहे, फिर हम लोग, हमारे जो ड्राइवर हजरात थे, मजदूरी कर रहे थे, कुछ को मिल रही थी, कुछ को नहीं मिल रही थी, तो इस हिसाब से हमने बहुत ही सफ़र किया है, इसमें ज़बरदस्त सफ़र किया है। पिछले कुछ महीनों से 17-18 महीने हो गए अभी, अब थोड़ा सा अभी रिवाइव हुआ है कि दूसरा जो कोविड का था वो कोविड का आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम हुआ था। उसके बाद ये मान लीजिए आप फरवरी से थोड़ा सा टूरिज़्म रिवाइव हुआ है, तो अब थोड़ा सा हम संभल रहे हैं। जो अभी भी हम कर्जा वर्जा जो हमने ले रखा था दाएं बाएं से, उसको उतार रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमारी गाड़ियाँ बैठी हुई थी, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के लिए पैसे नहीं थे इंश्योरेंस करने के लिए, वो भी हमने उधार लिया हुआ है, और कुछ जेवरात वगैरह थे घर से, तो खड़ा तो आपने आपको करना ही करना है, तो कुछ सोना वगैरह था जिसके पास भी, जो भी था वो तो बिक गया सारा, और दाएं बाएं से भी हमने कर्ज़े उठाए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं, अगर ऐसा ही रहा तो हम थोड़ा सा रिकवर अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सा साउंड हो जाए, नहीं तो हम अभी भी पूरे गिरे हुए।
एक्चुअली जो बातें चल रही जो अफवाह है या न्यूज़ वगैरह पर क्लिप्स आते हैं तो वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन फिर से हो सकता है या कोविड बुरी तरह से हिट कर सकता है, उससे तो हम मेरे ख्याल में हम तो यहाँ ख़त्म ही हो जाएंगे, उससे कुछ बचेगा ही नहीं फिर हमारे पास।